तो हे गाइस, इस सौरभ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से कि आप सभी ने बोला था या ग्रेड मेथड के बारे में बताई थी, ग्रेड मेथड से कैसे हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं, तो बहुत से लोगों को ग्रेड मेथड से भी दिक्कत आ रही थी बनाने में। तो वीडियोस में बताया फ्री हैंड से बना सकते हैं, तो फ्री हैंड मेथड एक बहुत अच्छी मेथड है गाइस, अगर आप फ्री हैंड से बनाते हो तो बहुत बढ़िया है गाइस। ग्रेड मेथड का यूज़ आप कमीशन वर्क के लिए कर सकते हो, 90% तक एक्यूरेट फेस बना सकते हो। तो चलिए शो करते हैं। तो गाइस, ग्रेड मेथड के लिए हम एक ऐप का यूज़ करेंगे। तो मैं मेरी एंड्रॉइड फ़ोन स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम ये वाला ऐप यूज़ करेंगे, ड्राइंग ग्रेड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा जो कि जानवी मैम का फ़ोटो होगा। तो यहाँ पे फ़ोटो ग्रेड्स कम ही मिलेंगे आपको, फिर यहाँ पे आपको रो बढ़ाना होंगे। जैसे कि मैं रो यहाँ पे 12 कर देता हूँ, कॉलम को 10 कर देता हूँ। तो गाइस, रो को आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है, जैसे कि जो स्क्वायर है वो परफेक्ट तरीके से, और इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। अदर ग्रेड्स को बढ़ा भी सकते हो आप, और गाइस यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। ये वाला सेकंड ऑप्शन पे अपने शेप हो गया, ठीक है। मैम, जो शीट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 साइज की जेरोक्स शीट ले रहा हूँ, तो इस पर मैं पैटर्न क्रिएट करूँगा रो और कॉलम का। तो यहाँ पे जो रो होंगे और जो कॉलम होंगे वो लगभग एक ही डिस्टेंस पे लेना है आपको, और यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस लूँगा वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लूँगा। तो गाइस, इस तरीके से आपको 2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेना है। ये भी देख लेना है कि हमने जो रो लिए थे वो 12 थे, तो यहाँ पे हमने रो जो लिए हैं 2 सेंटीमीटर हर एक बॉक्स लिया है, तो यहाँ पे वो 12 हो रहे हैं कि नहीं, आपको ये भी देखना है। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा एक एक करके और बढ़ा देना होगा। तो हमारी जो रेफरेंस है वो A4 साइज़ में नहीं है, वो थोड़ी सी और किसी से छोटी है, रहेगा परफेक्ट बट गाइस थोड़ा सा छोटा रहेगा यहाँ से। अब गाइस कॉलम की मार्किंग क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। तो कॉलम भी कुछ इस तरीके से बनाना है जैसे कि रो हमने 2 सेंटीमीटर बनाया था, वैसे हमको कॉलम। और गाइस थोड़ा सा यहाँ पे आपसे मेजरमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि जो लाइंस रहेगी वो मतलब स्ट्रेट ना आके थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करें, सेम यहाँ पे जो मेजरमेंट लिया है वो यहाँ पे ले लें, सेम का सेम, तो उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस चलिए आउटलाइंस ड्रॉ करना, और इस तरीके से आपको देख रही होंगी अच्छे से, ठीक है। आपको भी बिल्कुल लाइट ड्रॉ करना है, वो भी लाइट पेंसिल से। मैंने आप सारा पेंसिल से ड्रॉ किया था ये फेस। तो यहाँ पे आपको बैठ के और ऑब्जर्व करना है फेस के ऊपर, ये ग्रेड बनी हुई है इसमें, ठीक है, और आपको यहाँ पे देख के और, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ये है, तो यहाँ से शो करना है, ठीक है। सो गाइज, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश आप लोगों को समझाने की, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया बीच बीच में, और बाकी तो आपको ड्रॉ आप कर ही लोगे। जिस तरीके से हमने हमारी रेफरेंस को कंप्लीट कर लिया है इसके आउटलाइंस को, और अगर आपसे ग्रेड से भी सही से नहीं बनते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सर्कल्स की प्रैक्टिस करो, लाइंस की प्रैक्टिस करो गाइस, प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस से ही सब कुछ। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।